आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चे सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं, अब ये धारणा बदलेगी। जी हाँ, अब नौनिहाल खिचड़ी खाने के लिए नहीं बल्कि स्मार्ट आंगनबाड़ी में पोषाहार के साथ बेहतर शिक्षा का लाभ लेने पहुंचेंगे। वैसे तो राज्य की तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों को संवारने और सुधारने के साथ साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आंगनबाड़ी का हाल किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच बच्चों के लिए काम कर रही संस्था सेव द चिल्ड्रन ने एक नई पहल की है आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने का। गुमला और पश्चिमी सिंहभूम के 200 से ज्यादा ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्रों को एक अलग स्वरूप देने की तैयारी की जा रही है, जो बहुत जल्द धरातल पर होगी। हम लोग दो जिला में छोटे बच्चों के लिए, खासकर जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं, आंगनबाड़ी सेंटर में जो आते हैं उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पश्चिम सिंहभूम में पिछले साल टोंटो ब्लॉक में की है और इस साल हम लोग टोंटो के साथ साथ नाथनगर ब्लॉक लेंगे। अब तक बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों की तरफ आकर्षित सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए होते थे, लेकिन जिस स्तर की शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए वैसे नहीं मिल पाती थी। पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को महिला बाल विकास विभाग और सेव द चिल्ड्रन द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि अच्छे माहौल में बच्चों को शिक्षित किया जा सके। को आना मन लगे उसके लिए चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण बनाने के लिए हम लोग पिछले साल 10 आंगनबाड़ी सेंटर ने हमने किया पश्चिम सिंहभूम में, और ऐसे ही 10 यहाँ पे, इस साल भी और 10 बढ़ाने की हमारी तैयारी है। और इस सेंटर में उद्देश्य है कि कई बार क्या होता है कि अगर बच्चों का पसंदीदा वातावरण नहीं होगा तो उनको दौड़ के आने का इच्छा नहीं होता, तो हम लोग जो बाहरी दीवार सब है उसका रंग रंगाई पेंटिंग, बच्चों संबंधित जो पेंटिंग है, और ऐसा ही अंदर भी उसमें हम लोग कर रहे हैं। और इसके सिवाय हमें सबको पता है कि बच्चों को खेलने में बड़ी मजा आता है, तो आपका अगर खेलने का सामग्री अंदर नहीं होगा तो बच्चे फिर आने का उनको इच्छा नहीं होगा। बहरहाल इस पहल के बाद से एक उम्मीद है कि वाकई में आंगनबाड़ी केंद्रों की तस्वीर और बच्चों की तकदीर बदलेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए अमिता की रिपोर्ट।